शौक था, कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है, विभा की अम्मा कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी, उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गाँव के। हाँ ठीक बोल रही हूँ, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी, होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मिली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या, वैसे भाई साहब मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है, मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं, सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना अम्मा, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर, और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊं। हाँ अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा मैंने गलत समझा, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है, सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप, ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इस ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है, तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है, तुझे याद आया मुझे। शौक शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासु माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है, ये क्या भूतों का मोहल्ला है, सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही है, 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं, सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और 1 पेटीकोट और 1 नाड़ी वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में, धोबन समझ रखा है हमें। हाय रे कल्लू की अम्मा माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन बाहर निकल। माँ जी यही आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो, आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे, बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है, बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं जहां सास की साड़ी वहां खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना। हाँ हाँ देखो तो,
दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल, मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना